हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज के क्लास में जो कि एडिटोरिया करंट अफेयर सॉरी एडिटोरिया का दरोगा का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 से स्टार्ट करने वाला हूं, जो आप देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का जो देख सकते हैं फुल मैथ तक का सोल्यूशन है। तो आप चैनल पर बने रहिए, अगर PDF चाहते हैं तो देख सकते हैं पूरा डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। तो यह सब आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो आपको PDF मिलेगा, अगर नहीं जुड़ते हैं तो आपको PDF नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय कमाए हुए। जो जुटेगा उसी को ना PDF मिलेगा, जो जुटबे नहीं करेगा तो उसको PDF कहाँ से मिलेगा, आप ही बताइए। तो आज का क्लास है, निम्नलिखित में किस शासक महामल्ल की उपाधि धारण की थी, कौन धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। और बोल रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला की विकास सर्वप्रथम किस काल में हुई थी, मंदिर बनाने की कला की किस काल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। यूनानियों के शासक मिनाडर को पराजित किया था, किसने किया था मिनाडर को पराजित? तो पुष्यमती सुंग ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में किस वेद में प्रशिक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है, किस वेद में? तो इसका आंसर हो जाएगा तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए सुमेलित करना है, इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? दीवान ए मुस्तखराज जो फिरोज शाह तुगलक लिखा है या गलत है, उपाव की बात सही है। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है, दीवान ए अर्ज किसने लिखा है? बलमन ने लिखा है, दीवान ए कोई किसने लिखा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल की मुक्ति किया था, किस वर्ष किया गया था? तो 1562 ईस्वी में किया गया था, 1562 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा था? तो इसका अक्सर लोग सिराजुद्दौला मार देता है इसका, लेकिन आंसर होगा अलवर्दी खान, सोच समझ के मारना है अलवर्दी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राज किया कोषागार की मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था, किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरंग हेस्टिंग के शासनकाल में। बंगाल विभाजन प्रभावी लागू कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन का प्रभावी कब लागू हुआ था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। तो भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो भूमि विद्रोह का संबंध यह हो जाएगा झारखंड से है। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो बंकिम चटर्जी ने कहा था कांग्रेस पदों के भूखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के जांच से संबंधित हंटर कमेटी रिपोर्ट को प्रकाशित कब किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में जांच से संबंधित हंटर कमेटी के रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में किया गया था, लेकिन 1920 में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 1919 ईस्वी में। और भारत बोल रहा है, भारतीय विद्रोह का कारण पुस्तक के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खान है। अलकनंदा और पिंडारन नदी का संगम स्थल कौन है? अलकनंदा एवं पिंडारन। इसका आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, कर्णप्रयाग। और पूछेगा, किस प्रकार की मिट्टी कार्बनिक पदार्थ की बहुलता पाई जाती है? काली मिट्टी, ए और बी ने मार देना है। दक्षिणी और अंडमान लघु अंडमान को जोड़ती है क्या डिग्री चैनल? तो सॉरी 10 डिग्री चैनल नहीं होगा इसका, डक्कन पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो हिमाद्री का है। म्यांमार भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बढ़िया से। काराकुम रेगिस्तान कहाँ है? काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा झील है? रूस में स्थित नहीं है, रूस में नहीं स्थित है, विनिपेग झील नहीं है, बाकी सब है। विनिपेग है कहाँ? तो कनाडा में है। दिए गए विकल्प में कौन सा भू आवेशित देश है? भू आवेशित में इसका आंसर आ जाएगा पलाऊ भू आवेशित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पम्मा सिंचाई परियोजना किस राज्य में? केरल में है। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना उत्पादित किया जाता है। रेखीय समिति का संबंध किस कर से है? इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतमाला परियोजना नहीं किया गया था, बाकी सब 15 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? दूसरी में, क्योंकि उद्योग जितना भी है लगभग में दूसरी पंचवर्षीय योजना है, इसीलिए दूसरा मरना है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है? तो सातवीं अनुसूची में लगाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदेश को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। किस मौलिक अधिकार को लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है? तो समानता का अधिकार करता है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला पर मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरोध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई है? 2005 में। बिहार पंचायत स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो पंचायत समिति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर बढ़िया से मिला लेना। पहला तो ऑप्शन सही है, संसद द्वारा राज्य के विधानमंडल में स्वतंत्र तथा निरपेक्ष चुनाव कराने हैं तो शक्ति का एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है, इसका भी सही है। लेकिन निर्वाचन द्वारा आयुक्त पद हटाने का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा पास करता है, यह दोनों सही है लेकिन इसका सही स्पष्ट विवरण नहीं करता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है लेकिन बी पुष्टि नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई है? तो 1949 में दी गई है। पंचायती राज की सूची में आता है तो राजसूची में आता है। कौन सूची में आता है पंचायती राज? तो राजसूची में आता है, राजसूची में याद रखना है। कब लागू किया गया था हिंदी को? तो 1949 ईस्वी में। यह सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हरितगृह प्रभाव का वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के पर जीवन के लिए हानिकारक एवं लाभदायक दोनों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं काटोजन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा समझौता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मैग्रोव वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। पूछेगा सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, किस वर्ष? तो 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1972। टाइगर रिजर्व पूछेगा तो 1973 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सा नहीं लिखी गई है? नेचर कोड नहीं लिखी गई है।
राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? किस वर्ष नामित किया गया है? 1937 ईस्वी में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा वियना में स्थित है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो लूना 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक सुमेलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? एक रासायनिक, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक दुर्बल अम्ल है? कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम नहीं है। कार्नोटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नोटाइट, तो एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से वाक्य पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से 1, 2, 3 सही है, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है और गोल्ड प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, लेड ऑक्साइड के लिथार्ज का उदाहरण है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं, आप सबको देखने में अच्छा होगा। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा का मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या होता है, क्या कहलाता है? बिलियन के सांद्रता कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? मेथिल अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पौधे के मूल तथा जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो प्रसरण द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूल तथा बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो सहकोशिका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो इसमें थोड़ा शक है, हो सकता है चलने निकाय ना होगा, लेकिन कन्फर्म है कि सहकोशिका ही होगा, क्योंकि एक बार नया थी गूगल पर सर्च मार लेना है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं को लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? थ्रोम्बोसाइड मदद करता है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण रोग का उदाहरण है? कौन सा रोग? तो मलेरिया। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहसाना। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी पौधा वृद्धि को नियंत्रित करने में वाला हार्मोन है? तो नियंत्रित करने वाला ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर, तो इसका मान सर्वाधिक होता है। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा किया गया था? फोटोन कण के आइंस्टीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा, इसका आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगा। और नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है? बोरॉन के किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्प में कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है? नहीं है सदिश राशि का, तो सदिश राशि कौन नहीं है? कार्य नहीं है, बाकी सब सदिश राशि है। बल त्वरण सदिश राशि का उदाहरण है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ष 2022 में ब्याह सम्मान के लिए किसे चुना गया था ब्याह सम्मान के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन कौन सा सत्य है? भारत का स्थान 26वां स्थान था, या प्रथम स्थान फिनलैंड का रहा था, डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा था, या तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीनों सही है, पहला तो ऑप्शन मिल गया, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, भारतीय सेना के किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोन 1 का मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा किस शहर में, तो इंदौर में इसका किया गया था। कहाँ? इंदौर में। पर्यटन प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश के में आयोजित किया गया है? किस देश में?
स्पेन में किया गया है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यह गलत है, बाकी सब सही है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है और पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है और छोटे राज्य में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है। यह सब सही है, बाकी बिहार का अंतिम दिया गया यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वर्ष 2023 में किस रूप में मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बिहार जाति पर आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की जनसंख्या कुल कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द म्यूजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन था? तो सुधा मूर्ति था, कौन था? सुधा मूर्ति। फीफा विश्व कप 2022 का संबंध कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्य सार्वधानिक पीठ के लिए ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के समय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है, किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम जोसेफ, यह नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देश का पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। एक बार देख लेना, अगर हो सकता है गलत भी हो सकता है। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिर से हिपी किसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता था? डेविस एलन चिपरफील्ड। करंट अफेयर्स है, आप थोड़ा चेक भी कर लीजिएगा, हो सकता है कोई मिस्टेक हो। तो करंट अफेयर्स है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटर घर द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो अहमदाबाद द्वारा किया गया, ये सब करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा परशुराम कुंड महोत्सव छत्तीसगढ़, यह सही नहीं है। ये भी लगता है सही नहीं है, तिरंगा उत्सव अरुणाचल प्रदेश, बाकी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा है? 2023 तक रखा है। वर्तमान में भारत के बीमा नीमा क्या और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवाशीष पांडा। विश्व कैंसर दिवस के थीम 2023 का थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सिरिजा अकुल का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वां जी7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, कितना लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 70.45 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देख लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल सितंबर 2022 तक में भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश का प्रथम सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर मॉरिशस और यूएई, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो, यह सब देख लीजिए और टेलीग्राम पर आके इसका PDF ले सकते हैं टोटल का, और यहाँ भी ये ले सकते हैं इसका पूरा डिस्कर्स का, आप सभी मिल जाएगा आप सभी को, केवल आप टेलीग्राम से जुट जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।